डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारे एक पेशेंट आए हुए हैं, इनको हेपेटाइटिस बी था। ये हमारे पास आए थे 8 दिसंबर 2022 को। इनको जब ये आए थे तो HBV DNA 10,055 था। ये हमारे पास रिपोर्ट है 10,055 की। ये देखिए 10,055। अब इस वक्त इनकी ये रिपोर्ट है हेपेटाइटिस बी की। देखिए टारगेट नॉट डिडक्टेड, ये है रिपोर्ट अभी 20/11/23 की, 20/11/23। और ये देखिए हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन निगेटिव हो गया, 0.02 है, लेस देन 0.02। तो ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी था। इस वक्त इनका हेपेटाइटिस बी जो क्वांटिटी है 0.02, यानी लेस देन डिडक्टेबल हो गया, निगेटिव हो गया है। और HBV DNA भी टारगेट नॉट डिडक्टेड है। जब आए थे तो 7/10/22 को इनको जॉन्डिस था और उनका सीरम बिलिरुबिन 3.9 था, SGOT 903 था, SGPT 1670 था, GGT 73 था, एल्केलाइन फॉस्फेट 228 था। इस वक्त ये LFT लेकर आए हैं, LFT बिल्कुल नॉर्मल है। इन्होंने 1/6/23 को किया था, ये बिल्कुल LFT नॉर्मल है, HBsAg निगेटिव हो गया है और HBV DNA TND हो गया है। ठीक है, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया नहीं? कराया। उसमें जो स्टोन आया था नहीं आया था दोबारा स्टोन? नहीं, भेज देना। अच्छा, तो ये इनकी रिपोर्ट है कि हेपेटाइटिस बी निगेटिव हो गया। ये उस मालिक का शुक्र है, जबकि सब लोग कह देते हैं कि निगेटिव नहीं होता, लेकिन ये दोनों रिपोर्ट लाल पैथोलॉजी लैब की है। इसलिए ये यूनानी दवाओं का ये इफेक्ट है कि इन्होंने तकरीबन कितने दिन इलाज कराया होगा? अच्छा, तो 1 साल से ज़्यादा इन्होंने इलाज कराया है और आज ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। थैंक यू सो मच।